अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियाँ, परेशानियाँ सब दूर कर दे, और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए बारबेक्यू स्पाइसी विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। तो रेस्टोरेंट में अगर आप लोग इस तरह की रेसिपी को ऑर्डर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बारबेक्यू विंग्स की रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन विंग्स लिए हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। विंग्स को मैंने यहाँ पर बड़े बाउल में डाल लिया है। अब स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पाउडर लिया है, आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं, और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर नमक लिया है। चिकन को यहाँ पर मैं मैरिनेट करूँगी सिर्फ 15 मिनट के लिए। बहुत जल्दी ये चिकन मैरिनेट हो जाता है, तो 15 मिनट के लिए बस इस तरह से मसाला लगा के इसको मैरिनेट कर दूँगी। बाकी मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिखा दिए हैं। आधा किलो विंग्स लिए हैं मैंने यहाँ पर, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मिर्च और नमक आप लोग चिकन के हिसाब से, अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं 15 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। और यहाँ देखें, मैंने मैदे की कोटिंग के लिए यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ही पीसी मिर्च और आधा खाने का चम्मच नमक लिया है। इन दोनों मसालों को मैंने यहाँ पर मैदे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आप लोग इसी पॉइंट पे ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दें ताकि रेसिपी बनने में देर ना लगे। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मैदे में इस तरह से मसाला डाल के रख दिया है। चलिए 15 मिनट बाद मिलती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, विंग्स यहाँ पर मैरिनेट अच्छी तरह से हो चुका है। अब यहाँ पर हमने मैदे की कोटिंग करनी है। एक एक विंग्स को आप लोगों ने इस तरह से लेना है, और अच्छी तरह से हाथों से एक एक दफ़ा ही, एक बार ही हमने मैदे की कोटिंग करनी है। हाथों से अच्छी तरह से दबा लें, डबल कोटिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बस हाथों से एक दफ़ा अच्छी तरह से दबा लें। इस तरह से सारी कोटिंग आप लोग विंग्स के ऊपर कर लें। ऑयल गर्म हो चुका है यहाँ पर, तो सारे विंग्स के ऊपर इस तरह से कोटिंग कर लें, फिर ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब आप लोगों ने एक एक करके विंग्स को डालना है। और 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पर विंग्स को फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ऊपर से ये जो विंग्स हैं जले ना और अंदर से अच्छी तरह से गल जाएं। तो फ्लेम आप लोग मीडियम ही रखिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, देखें विंग्स यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लिए इसे फ्राई किया है। अब इसे निकाल लेती हूँ और जल्दी से सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है। 5 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप लिया है। केचप आप लोग कोई भी ले सकते हैं, चिली गार्लिक केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 खाने के चम्मच मैंने यहाँ केचप डाल दिया है। चिली सॉस लिया है मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच, 2 से 2.5 खाने के चम्मच है, इसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पर मैंने सिरका लिया है 1 खाने के चम्मच, सिरका डाल दिया है। सॉस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, 1 खाने के चम्मच ही सोया सॉस लिया है। सोया और सिरका सॉस दोनों मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम ली है। नमक लिया है मैंने यहाँ पर 1/2 खाने के चम्मच, और यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर लिया है 2 खाने के चम्मच, ब्राउन शुगर डाल दिया है। और यहाँ पर 1 खाने के बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर कूटी हुई लाल मिर्च ली है। अब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी बारबेक्यू विंग्स रेडी होने लगा है। सारे सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद हमने यहाँ पर जो विंग्स को फ्राई करके रखे हैं उनमें मिक्स कर देना है सॉस में अच्छी तरह से। यहाँ पर देखें, ये विंग्स जो अभी मैंने निकाल के रखे हैं फ्राई किए हुए, अब इसमें डाल लेते हैं और अच्छी तरह से इनके ऊपर मिक्स कर लेते हैं। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छी तरह से इनके ऊपर सारा कोट कर लें आप लोग सॉस से। अच्छी तरह से तमाम सॉस को मैंने अच्छी तरह से कोट कर दिया है विंग्स के ऊपर। चलें अभी मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मज़ेदार स्पाइसी बारबेक्यू विंग्स को मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।